सभी का आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की विद्यार्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी। जी हां, आखिरकार बोर्ड परीक्षा 2023 के विद्यार्थियों के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी सरकार की तरफ से सामने आ रही है। आप सभी को बता देना चाहता है कि एक बड़ी जानकारी को प्रसारित किया गया जिसका सीधा फायदा विद्यार्थियों को होगा। आखिरकार कौन सी वह बड़ी खबर है, वह आप सभी को इस खबर से कितना फायदा पहुंचेगा। वह बोर्ड परीक्षा 2023 की परीक्षा दिनांकों को घोषित कर दिया गया। वहीं आप सभी का रिजल्ट 2023 में कब जारी किया जाएगा, नया सत्र कब चालू किया जाएगा। वहीं आप सभी का पेपर कैसा बनाया जाएगा, पेपर किस प्रकार आएगा, वह कॉपियों का मूल्यांकन कैसा होगा, वह टीचरों को कौन से बड़े दिशा निर्देश दिए गए, कई अन्य बड़ी अपडेट है दोस्तों, जो कि आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत आपके अपने चैनल एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचाने वाले हैं। अगले एक मिनट के अंदर आप सभी को समस्त जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक चैनल पर आना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपना प्यार व सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाया रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। आप सभी को बताएं, बोर्ड परीक्षा 2023 की दिनांकों को जारी कर दिया गया है। जी हां, 14 मार्च 2022 से चालू कराए जाएंगे 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा है। इस वक्त की बड़ी खबर 100% के साथ बनेगा 10वीं बारी का बोर्ड परीक्षा का पेपर। कॉपियों को जो आप सभी का जो पेपर होंगे वो 1 महीना 10 दिन चलेंगे। कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 1 महीना 15 दिन के बाद चालू होगा। जी हां, जैसे आप मान लीजिए 1 महीना 10 दिन आप सभी का पेपर जैसे कंप्लीट हो जाए, 14 तारीख को आप 14 मार्च को चालू होंगे और आप सभी के जो पेपर होंगे, जी आप सभी को बताएं 20 अप्रैल तक आप सभी के संपन्न हो जाएंगे। वह 23 अप्रैल से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चालू कर दिया जाएगा। वह 18 दिन के अंदर कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कंप्लीट करके आप सभी का 25 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं आप सभी को बताएं, इस बार यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उन्हें मिलेगा दोबारा मौका। आप सभी को बताएं, सरकार ने वैसे ही बताया था कि कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, विद्यार्थी पढ़ाई ना कर पाए, फेल हुए, अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाए। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने बड़ा सुधार किया कि विद्यार्थियों को दोबारा से मौका दिया जाएगा 2023 में। बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत होगी। जो विद्यार्थी ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन परीक्षा दे, जो ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन दे, वो अन्य भी कई बड़े बदलाव आगे किए जा सकते हैं। पेपर आप सभी को जो पेपर आएगा उसकी हिंट जो है दिसंबर महीने में दे दी जाएगी। जी हां, आप सभी के पेपर जो आप सभी के बनेगा, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन ले जाएंगे उसको लेकर हिंट दे दी जाएगी।